हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप सिंह एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके राइट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे गए हैं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं वे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ। ऑप्शन दिए गए हैं, देविका रानी, बोम्मी रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, पंकज मलिक और पृथ्वीराज कपूर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देविका रानी। अभिनेत्री देविका रानी को 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेल में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त और सुरेंद्र दत्त। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1963 ईस्वी में हुआ था और उनके घर का बचपन का नाम जो था वह वीरेश्वर रखा गया था, लेकिन उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं, विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। यह किताब 1944 ईस्वी में अहमदनगर की जेल में अपने 5 माह के कारावास के दौरान लिखी थी और यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? ऑप्शन दिए गए हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु और रुद्र प्रयाग। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध रुद्रप्रयाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे बी कृपलानी। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, पवन, हवा, वृहत और अनिल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृहत। वृहत वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं समर्थ, सार्थक, अनर्थ और निरर्थक। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों निरर्थक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे YouTube चैनल जीके राइट को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।